पहला बाड़मेर जाड़ो पड़तो तो बाड़मेर तो दूर है, तो हमें बलोतरा है तो मोरे कल्याणपुर में नजदीक है की काम करो तो भाई नजदीक में मैं हो रहा जाए जी काम ही बढ़िया वेला। बलोतरा के अंदर आज बलोतरा जिले का शुभारंभ हो रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर बाद में यहाँ पे वर्चुअल रूप से यहाँ पे इस जिले का शुभारंभ करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको पास का विजुअल दिखाएं, यहाँ पे भारी तादाद के अंदर यहाँ पे लोग आए हैं और सिर्फ यहाँ पे पुरुष ही नहीं महिलाओं के साथ साथ यहाँ पे स्कूल की बच्ची यहाँ भी आई है और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जिलेवासी आए। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी कई नाम है आप रो? उर्मिला। अच्छा कियो गाँव में आप रहो? सरवड़ी। अच्छा जिस तरह हूँ आज बालोतरो जिलो बने हुए हैं आप लोग महिलाओं बड़ी तादाद के अंदर आज अट पहुँचे आए, कहीं कहना चाहो आप? खुशी बहुत खुशी है, नजदीक खुशी की बात है। अच्छा बिल्कुल, आप कहीं नाम है बहन जी? मेरा नाम लाची है, मेरे के गांव है बदुकावाड़ा। हम मैं भाई खुशी हुई है कि हमने जिलों बुनी हुए हैं, पहला बाड़मेर जाड़ो पड़ता तो बाड़मेर तो दूर है तो हमें बलोतरा है तो मोरे कल्याणपुर में नजदीक है की काम करो तो भाई नजदीक में मैं हो रहा जाए जी काम ही बढ़िया वेला। इन वहाँ से मोने खुशी है बाड़मेर जिलों बुनियों ने बहुत बहुत भाई बलोतरा मोर जिलों बुनियों बहुत बहुत खुशी है मोरे। आप कह रहे हो आपने बहुत बहुत खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग है जो आप बात भी कह रहे हैं कि बात को श्रेय है मुख्यमंत्री गहलोत के साथ साथ मदन प्रजापति जी ने भी जावे, क्योंकि मदन प्रजापति जी ने तरह शपथ ली हुई, चप्पल तक आपका त्याग दिया। आप कहीं कहना चाहो मदन प्रजापति के बारे में? मदन प्रजापति कहना चाहो धन्यवाद देना चाहो, मोरे बालोतरा जिले बनायो है, मोर नजदीक है, मोने पहला तो वे बाड़मेर जाना पड़ता हूँ छोटो मोटो काम होते तो, अब तो बालोतरा है तो मोरे भाई नजदीक है तो कोई भी छोटो मोटो साधन दे तो भी नजदीक में जल्दी में पहुँचो, पर बाड़मेर में जाने में भी दिक्कत हती, उठे भी रहने वहाँ से भी दिक्कत हती, तो कहीं भी मोड़ बेग हो जावे तो भाई बालोतरा मोर नेड़ो है तो बस भाई घरे आओ तो पहले भाई जल्दी भी आ सको घरे नजदीक है जन वास्ते। इन वास्ते मदन जी ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहो, मोरे बालोतरा जिलों बने इन वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहो। निश्चित तौर पर इनका महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से जो पहले जो दूरी थी यहाँ पे वो कहीं ना कहीं जिला बनने से कम होगी, साथ ही साथ इनका कहना है कि मदन प्रजापत जो विधायक महोदय हैं उनको ये लोग इस बात का श्रेय देते हैं। हमारे साथ में और भी है, माता जी कई नाम है आप? बसंती। जिस तरीके हूँ आप आज अटे शुभारंभ रहे मोहन पहुँचे हो, मुख्यमंत्री गहलोत साहब थोड़ी देर बाद में शुभारंभ करी, बड़ी तादाद में महिलाएं माताएं बहनें भी पहुँची है, कहीं कहना चाहो आप? जिलो बढ़िया हो, बढ़िया काम कियो गहलोत साहब? अच्छा बिल्कुल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुलसी है। जिस तरीके से यहाँ पे आज बड़ी संख्या में महिलाएं स्कूल की बच्चियां व पुरुष बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे जिलेवासी आए हैं, जिले का शुभारंभ हो रहा है, मुख्यमंत्री गहलोत कुछ देर बाद में वर्चुअल रूप से इस जिले का शुभारंभ करेंगे, कितनी फीलिंग है बालोतरा वासियों के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हमारा बलोतरा जिला बन गया और बड़ी खुशी हुई है कि इतनी मतलब जो भीड़ है देखकर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई है। अच्छा इस बात का श्रेय आप किसे देते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत मदन प्रजापत जितने भी शामिल हैं अपने अपने? अच्छा जिस तरह से पचपदरा विधायक मदन प्रजापत ने बालोतरा जिला बनाने को लेकर के अपनी चप्पलें तक त्याग दी थी और आज उनका ये जो जिला है वो बन गया है, क्या कहना चाहेंगे मदन प्रजापत के बारे में? मदन प्रजापत ने अच्छा काम किया कि उन्होंने मतलब जो मन में ठाना था वो पूरा किया उन्होंने। पूरा किया, जिस तरह से राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, बहुत कम समय बचा है, क्या लगता है चुनावी साल के अंदर जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने ये जो घोषणाओं का पिटारा खोला है, 19 जिले बनाए हैं, कांग्रेस को कोई फायदा होगा इससे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे इन महिलाओं की भी ये राय थी कि जिस तरह से जो बालोतरा जिला बना है उससे कहीं ना कहीं आम जन को फायदा है, वह साथ ही साथ इनका कहना है कि पचपदरा विधायक मदन प्रजापत व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धन्यवाद के पात्र है, ये इन महिलाओं की राय थी। और आपकी इनकी राय के प्रति क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।